नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने जीरा आलू की बहुत ही चटपटी रेसिपी लाई हूं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीरा आलू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 4 मीडियम साइज़ के आलू को। मैंने प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया था 2 सीटी में और इसको छीलकर अच्छे से मोटे मोटे टुकड़ों में मैंने काट कर ले लिया है। 2 सीटी ही लगाए, इससे ज़्यादा ओवर कुक हमें नहीं करना है। इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है 2 बड़े चम्मच तेल। जब तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें 1 बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया है जीरा। जीरा आलू बना रहे हैं तो जीरे की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जीरा जब अच्छे से भून जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हींग। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों, तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। गैस का फ्लेम स्लो करके इसमें डाल दीजिए हल्दी पाउडर और तुरंत डालकर हरी मिर्च और अदरक यहाँ पर चॉप करके लिया है मैंने। 1 इंच अदरक का टुकड़ा था, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसको डालकर अच्छे से हमें प्याज अदरक और हरी मिर्च को भून लेना है। इसको कुछ सेकंड भूनते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन जाना चाहिए। जब अच्छे से भून जाए तब इसमें हम जो उबले और कटे हुए आलू हैं उसको डालकर इसको हमें लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे अच्छे से इसको भून लेना है पहले, फिर हम बाद में इसको सारे मसाले ऐड करेंगे। तो पहले आप आलू को कुछ समय के लिए ऐसे ही भून लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने आलू को अच्छे से भून लिया। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे लिया 1/2 टीस्पून मैंने जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्च यूज़ की थी तो मैं थोड़ा कम डाल रही हूँ। और यहाँ पे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी को लेकर हाथों से क्रश करके डाल दीजिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स कर मीडियम फ्लेम पर इसे हमें अच्छे से 3 से 4 मिनट तक या जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसे हमें भूनना है। आप एक बार इस सब्जी को ज़रूर बनाइए दोस्तों, और अगर वीडियो यूज़फुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की आगे की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। यहाँ पर मैंने लिया है 1 चुटकी मैंने काली मिर्च डाली है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप बच्चों के लिए ना बना रहे हैं तो और ऐड कर सकते हैं इसमें। और इसको डालकर फिर हम इसमें ऐड करेंगे खट्टेपन के लिए 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। इसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेना है अच्छे से, जब तक ये थोड़ा सा क्रिस्पी ना हो जाए। तो इसे हम कवर करेंगे और इसको ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे पूरी पराठे या प्लेन राइस के साथ भी खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए हमारा आलू का जीरा आलू बनकर रेडी हो चुका है। इसमें हम ढेर सारी हरी धनिया डाल देते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो मत डालिए, बट मुझे बहुत पसंद है तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। और इसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक हमें और पका लेना है धनिया के साथ। इसमें धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब देखिए हमारा जीरा आलू बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है दोस्तों, बहुत ही देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो इसको हम निकालते हैं एक सर्विंग प्लेट में, फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारा जीरा आलू बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे पूरी पराठे या फिर प्लेन राइस के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।